चलिए आइए अब हम लोग करते हैं 18.2.3 पार्ट 3 द मैकडॉनल्ड्स डॉट 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 व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव फादर डियर। अब देखिए ये चैप्टर को और हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लेट अस रीड एंड फाइंड आउट व्हाट केजिया चॉइसेस। केजिया नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय द कंपनी ऑफ हर पेरेंट्स। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि केजिया का चॉइस क्या है, वो क्या चाहती है। केजिया को कभी भी मौका नहीं मिला कि अपने माता पिता के संग वह इंजॉय कर सके, खेल कूद सके। शी डिड नॉट हैव एन ओपन रिलेशन विद देम। उनका अपने माता पिता से ओपन रिलेशन नहीं होता। ओपन रिलेशनशिप मतलब खुलकर वो बात कर सके, एक दूसरे के साथ खेल सके, बैठ सके। इन दिस यूनिट वी शैल रीड व्हाट शी थॉट व्हेन शी फाउंड द मैकडॉनल्ड्स प्लेइंग एंड एंजॉइंग टुगेदर। इस यूनिट में आप पढ़ेंगे कि उस केजिया को कैसा लगा जब वह देखी कि मैकडॉनल्ड्स अपने बच्चों के संग खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। शी कुड सी द थ्रिल एंड जॉय ऑन देयर फेस। वह उनके चेहरे पर खुशी वह चमक देख पा रही थी। शी वॉन्डर्ड इफ इट कुड बी द सेम विथ हर फैमिली। वह यह चीज सोचती है कि काश यह चीज उसके परिवार के साथ भी होता। हर फादर हैड नेवर बीन फ्रेंडली विथ हर, नेवर एनकरेज्ड हर टू फील फ्री विथ हिम। उसके जो पिताजी हैं वो कभी भी उसके संग दोस्त की तरह नहीं रहते हैं, कभी भी उसको वो प्रोत्साहित नहीं करते हैं कि वह उसके साथ खुल के रहे। शी रियलाइज दैट ऑल फादर्स आर नॉट अलाइक। वह यह चीज को महसूस करती है, समझती है कि हर पिता एक जैसा नहीं होता है। हर फादर वॉज ऑफ अ डिफरेंट सॉर्ट। उसके पिताजी दूसरे तरह से हैं। हाउएवर शी वॉन्टेड टू एंजॉय हर पेरेंट्स कंपनी। लेकिन वह अपने माता पिता का साथ चाहती है और वह चाहती है कि उसके माता पिता भी उसको समय दें। अनदर इंसिडेंट हैपेंड व्हिच मेड केजिया रियलाइज समथिंग न्यू अबाउट हर फादर। एक और घटना होती है जब केजिया को यह समझ में आता है कि उसके पापा के बारे में एक नया चीज भी वह देख पाती है। केजिया वॉज लेफ्ट अलोन एट नाइट व्हेन हर मदर वॉज हॉस्पिटलाइज्ड एंड हर ग्रैंड मदर अकम्पेन्ड हर मदर। केजिया घर पे अकेली रहती है रात को जब उसकी मम्मी हॉस्पिटल में रहती है और उसकी दादी उसकी मम्मी के संग अस्पताल में ही रहती है। शी हैड अ नाइटमेयर। उसको एक डरावना सपना आता है। शी स्क्रीम्ड कॉलिंग आउट फॉर ग्रैंड मदर। वह चिल्लाती है और दादी माँ को बुलाती है। हर फादर केम एंड कम्फर्टेड हर। उसके पिताजी आते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। शी हैड एन अपॉर्चुनिटी टू बी क्लोज विथ टू हिम। केजिया को एक मौका मिलता है कि वह अपने पिता के करीब आ सके। द वे ही केयर्ड फॉर हर कम्फर्टेड हर। शी गेव हर अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी बाई टेकिंग हर अंडर हिज आर्म्स एंड मेड हर रियलाइज दैट हर फादर हैड इनडीड अ बिग हार्ट। जिस तरह से उसके पिताजी उसका ख्याल रखते हैं, उसको कंफर्टेबल फील कराते हैं, उसको ये फील कराते हैं कि तुम सुरक्षित हो, अब उसको अपने बाहों के नीचे रखते हैं, तो केजिया को यह समझ में आता है कि उसके पिता का एक बड़ा हृदय है। ही वॉज नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विथ हर बिकॉज ही वॉज बिजी ड्यूरिंग द डे। केजिया के पिताजी दिन के समय व्यस्त रहते हैं इसलिए वह उसके साथ समय नहीं बिता पाते हैं। शी सेज यू हैव गॉट अ बिग हार्ट फादर डियर। वह कहते हैं कि पिताजी, प्रिय पिताजी, आपका बहुत ही बड़ा हृदय है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। लेट अस डू 18.3। ऑन संडे योर फादर गिव्स यू अ चॉइस। स्पेंड द डे विथ योर पेरेंट्स और गो विथ योर फ्रेंड। व्हाट विल यू चूज। गिव एटलीस्ट टू रीजन फॉर योर चॉइस। रविवार का दिन है, आपके पिताजी आपको एक ऑप्शन देते हैं। या तो तुम माता पिता के साथ पूरा दिन बिताओ या तो अपने दोस्तों के संग बाहर चले जाओ। आप क्या चीज चुनेंगे और क्यों चुनेंगे, इसके आपको दो कारण देने हैं। आई वुड स्पेंड द डे विथ माई पेरेंट्स। मैं उस दिन को अपने माता पिता के साथ बिताना पसंद करूंगा। दिस इज बिकॉज, यह इसलिए, ओनली ऑन संडे माई पेरेंट्स आर फ्री एंड स्टे एट होम। सिर्फ रविवार को ही मेरे पिताजी और माताजी फ्री रहते हैं और घर पे रहते हैं। आई कैन प्ले विथ फ्रेंड्स ऑन एनी डे। मैं अपने दोस्तों के साथ कभी भी खेल सकता हूँ। आई कैन प्ले विथ माई फ्रेंड्स इन स्कूल रेगुलरली। मैं हर रोज स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूं। अब चलिए हम लोग आगे करते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन 18.3।
ए लेट अस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग आंसर करेंगे एक एक करके। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द यूनिट फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैसेज। एग्जाम में जब इस तरह से आएगा तो पहले ये उतारिएगा फिर इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है? तो आपको जो पैसेज आप पढ़े हैं उसके ऊपर बेस करके इसको फिलअप करना है। द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज गिवन एज अ हिंट। अब देखिए हर जगह एक अल्फाबेट दिया है, डी टी सी एफ एच आई एस, मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स करना है वो वर्ड इसी अल्फाबेट से चालू होगा। केजिया ऑब्जर्व इन द मैकडोनल्ड्स फैमिली दैट देयर फादर वॉज डैश फ्रॉम हर फादर डिफरेंट फ्रॉम हर फादर, वह अलग प्रकार के हैं। ही स्पेंट डैश इन द डैश ऑफ हिज फाइव चिल्ड्रन। ही स्पेंट टाइम इन द कंपनी ऑफ हिज फाइव चिल्ड्रन, ऑल ऑफ देम वर डैश विद देयर फादर एंड देयर लाइफ वॉज डैश एंड डैश ऑल ऑफ देम वर फ्री विद देयर फादर एंड देयर लाइफ वॉज हैप्पी एंड इंटरेस्टिंग। शी थॉट परहैप्स ऑल फादर्स आर नॉट सेम। आप यहां सेम भी कर सकते हैं या सिमिलर भी कर सकते हैं, ठीक है? एक ही मतलब होता है। राइट शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जो आप क्वेश्चन है उसका आपको शॉर्ट आंसर्स देना है। वाई वॉज केजिया इज केयर ऑफ बींग अलोन इन द डार्क। केजिया को अंधकार से क्यों डर लगता है? शी यूज टू हैव नाइट मेयर्स वेन शी वॉज अलोन इन द डार्क। केजिया जब अकेले अंधकार में रहती है तो उसको डरावने सपने आते हैं। वाई डिड केजिया क्राई आउट फॉर हर ग्रैंड मदर हु अटेंडेड टू हर। केजिया अपनी दादी माँ के लिए क्यों चिल्लाती है और कौन आता है? केजिया क्राई आउट फॉर ग्रैंड मदर बिकॉज शी हैड अ नाइट मेयर हर फादर अटेंडेड टू हर। केजिया अपनी दादी को इसलिए चिल्लाती है, इसलिए बुलाती है क्योंकि उसको एक बुरा सपना आता है और उसके पिताजी आकर उसका ख्याल रखते हैं। नंबर थ्री, व्हाट डिड केजियाज फादर डू व्हेन ही फाउंड दैट शी वाज फ्राइटेंड। जब केजिया के पिताजी ये देखते हैं कि वह बहुत ही डरी हुई है तो वो क्या करते हैं? ही केयरफुली टक्ड अप केजिया एंड ले डाउन बिसाइड हर स्नगल्ड हर टू मेक हर कंफर्टेबल। वह ध्यान से केजिया को अपने गोद में उठा लेते हैं, उसको अपने बगल में लेटाते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं ताकि उसको कंफर्टेबल फील हो। केजिया फाउंड हर फादर सॉफ्ट एंड केयरिंग। केजिया यह चीज देखती है कि उसके पिताजी बहुत ही नम्र भाव के हैं और वह बहुत ही ख्याल रखते हैं उसका। वॉट डिड शी थिंक अबाउट हर फादर आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ द नाइट मेयर। जब ये बुरा सपना वाला घटना होता है तो वह अपने पिता के बारे में क्या सोचती है? शी थॉट दैट हर फादर वॉज अ सॉफ्ट हार्टेड मैन। वह यह सोचती है कि उसके पिताजी का जो हृदय है वह काफी सॉफ्ट है। ही कुड नॉट स्पेंड टाइम विथ हर बिकॉज ही वॉज बिजी इन हिज वर्क। वह उसके साथ समय इसलिए नहीं बिता पाते हैं क्योंकि वह काम में व्यस्त रहते हैं। टेक द राइट चॉइस टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है, उससे रिलेटेड ऑप्शन है, आपको इसका राइट चॉइस चुनना है। ऑन द नाइट व्हेन केजिया वॉज अलोन हर फादर वॉज वेरी केयरिंग एंड वार्म इन हिज बिहेवियर टूवर्ड्स हर बिकॉज। जिस रात को केजिया अकेले रहती है उसके पिताजी उसका बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि केजियाज ग्रैंड मदर हैड इंस्ट्रक्टेड हिम टू बी सो। केजिया की दादी उनको ऐसा करने बोलती है। केजिया हैड कॉल्ड आउट फॉर हिम, केजिया उनको बुलाती है। ही केयर्ड फॉर हर दो ही हैड नेवर एक्सप्रेस्ड इट। इसका सही आंसर ये होगा, वह उनका ख्याल रखती है, रखते हैं उसका, लेकिन वह कभी यह बात बताते नहीं है। चलिए आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स 18.3। पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो वर्ड है इसका ऑपोजिट वर्ड्स हम लोग को पैसेज से निकालना है। सॉफ्ट का ऑपोजिट पैसेज में दिया है हार्ड, लाइट का डार्क, ठीक है? नंबर टू, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द वंस गिवन इन द बॉक्स। अब बॉक्स में जो वर्ड है, ठीक है, ये रहा, यहां से यहां तक एक वर्ड दिया गया है,
asked, shouted, screamed, trembling, shivering and shaking. ये सारे words का इस्तेमाल करके हम लोग को ये लिखना है, तो चलिए हम लोग करते हैं। अब देखिए पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। asked मतलब पूछना, shouted चिल्लाना, screamed जब आप डर जाते हैं और चिल्लाते हैं, trembling जब आप कांपते हैं, shivering आप कांप रहे हैं, shaking आप बहुत ही हिले हुए हैं, आप बहुत ही डरे हुए हैं, आप शेक कर रहे हैं। माई टीचर फाउंड मी डैश विथ कोल्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल, शी गेव मी हर शॉल, आई फेल्ट वार्म एंड कम्फर्टेबल। अब देखिए यहाँ पे होगा शिवरिंग, जब आप ठंड से कांपते हैं। माई टीचर फाउंड मी शिवरिंग विथ कोल्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल, शी गेव मी हर शॉल, आई फेल्ट वार्म एंड कम्फर्टेबल। During our visit to your zoo, a cheetah broke out of its cage and ran about. We stood dash under the tree, fearing its attack. यहाँ पे आप कांप रहे हैं, बहुत जोर से डरे हुए हैं, आप trembling, you are trembling. The mother dashed for help when her child fell into the ditch. The mother screamed. जब आप डर जाते हैं और चिल्लाते हैं, तब आप scream करते हैं। The mother screamed for help when her child fell into the ditch. Sagar dashed at the worker when he dropped the hammer on the glass table top. Sagar shouted at the worker when he dropped the hammer on the glass table top.